हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी देखिए, यहाँ पे सुबह हो रहा था और सुबह मैं घर का और ब्लॉग बना रही हूँ। तो बस अभी ना सुबह का जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो बना ली थी, क्योंकि घर पे मामा आए हुए थे और उनको पराठा बना दी थी बस। और यहाँ पे सब काम ख़त्म करके बस झाड़ू लगा रही हूँ अभी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ बाहर जितना भी धूल था उसको भी अच्छे से साफ कर दूँगी। और अनीसा यहाँ पे खेल रही है, और यहाँ पे मेरी चाची का लड़का है, ये सचिन उसका नाम है, तो वही अभी आया था घर पे और अनीसा के साथ खेल रहा था। तो बस अभी इसको मैं जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ, और मेरा फिर सब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं लंच बनाऊँगी फिर से। और कोई खाया भी नहीं है, बस ब्रेकफास्ट ही ये हैं सभी अभी घर पे। तो बस लंच के लिए अभी तैयार कर लूँगी ये ख़त्म करके। और उधर साइड भी कमरा झाड़ू लगाना है, तो उधर साइड भी मैं पहले झाड़ू लगा दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कुंदरू और आलू की सब्जी है, मैं यही दिखा रही थी आपको। कुंदरू और आलू की सब्जी यही बनाऊंगी अभी लंच में। तो आप लोग देखिए, बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा कटा हुआ है, मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मामा को बोले थे काटने के लिए तो वो काट दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इसको जब बना रही थी ना तो थोड़ा मतलब ये लग रहा था कि अच्छा लगेगा कि नहीं, ऐसे लग रहा था, लेकिन जब बना ली थी तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और अभी यहाँ पे मैं कुंदरू और आलू की जो सब्जी कटी हुई थी ना उसको मैं फिर से धो रही हूँ, क्योंकि जब कट कर रहे थे मामा तो तभी एक बार धो के कट किए थे, और अभी मैं फिर से धो रही हूँ, क्योंकि ये जो कुंदरू का जो बीज है ना वो सारा जब काटे थे तो थोड़ा बहुत निकल गया था, और कोई कोई पका हुआ था तो वो लाल भी हो गया। और अभी यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए कट कर रही हूँ प्याज और मिर्च वगैरह, सब वो सब कट कर रही हूँ। तो अभी बस इतना इसको जल्दी से कट कर लेती हूँ और फिर सब्जी बनाऊँगी मैं, क्योंकि टाइम भी हो गया था, थोड़ा लेट भी हो जा रहा था लंच के लिए। मैं नहाने के लिए चली गई थी, कपड़ा वपड़ा जितना था वो धुल दी थी। और अभी बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, और वही जैसे रोज़ बनाती हूँ सब्जी उसी तरह। आप लोग देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जैसे कि मिर्च हो गया और सरसों, प्याज, लहसुन, टमाटर, बस वही डाल के सब बना लूँगी। और जिस तरह मैं भुजिया की टाइप बनाती हूँ ना, उसी तरह तो नहीं बन पाया था इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी हो गया था कुंदरू और आलू का, बहुत ज़्यादा वो हो गया। थोड़ा सा होता तो जो कुरकुरा टाइप का होता है ना उसी तरह बन जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और खान मतलब दो टाइम का जो बनाती हूँ ना मैं, वही नहीं बना रही थी, बस थोड़ा सा इसके बाद साग जो था वही हमारे जो बागान की उससे लेके आए थे वही बना दी थी, तो बहुत ज़्यादा ये हो गया था। तो बस अब इसको बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सबको भून ली हूँ, प्याज, लहसुन, मिर्च और सरसों यहाँ डाल के। और अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी डाल रही हूँ, और सारा डाल के इस पर थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिला लूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी उसी तरह। और जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ और फिर मिलूँगी आप सभी से। तो उधर साइड मेरी सब्जी बन गया था, और अभी यहाँ पे देखिए जो मछली लेके आए थे ये अंकल जी, तो वही मैं यहाँ पे आई थी, वीडियो भी बना ली थी, क्योंकि हम लोग मछली ले रहे थे और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इससे थोड़ा सा छोटा लिए थे हम लोग, एक या डेढ़ किलो का था वो। और हमारे गांव के पास से और एक अंकल जी आते हैं मछली बेचने के लिए ना, तो उनके वहाँ उनके उससे ना बहुत लोग ख़रीद भी लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कम करके भी दे देते हैं। और ये अंकल जी जो आए हुए हैं ना, ये मतलब रोज़ नहीं आते हैं, रोज़ मतलब कि आज ही आए हैं, नहीं आते हैं हमारे गांव साइड, पहली बार आए थे, फिर भी ले लिए हम लोग। और ना अंकल जी मछली को साफ़ कर दे रहे हैं, और कट भी कर देंगे अच्छे से कट कर देंगे इसको। और रही अनीसा को यहाँ पे देखिए, वो घूम घूम के यहाँ देख रही थी, और बस उसको ना बोल रही थी कि मुझे पकड़ लीजिए मामा, पकड़ लीजिए, मैं देखूँगी देखूँगी करके, क्योंकि गर्म भी बहुत था
और जो फ्लोर भी है ना, गर्मी की वजह से बहुत बहुत गर्म हो रहा था। और अभी यहाँ पे देखिए मेरा सब्जी भी बन गया था, वही मैं आपको दिखा रही थी। और ना ये सब्जी थोड़ा सा देखने में ना थोड़ा सा अजीब दिख रहा था, लेकिन टेस्टी, बहुत टेस्टी लग रहा था ये। मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मोटा मोटा काटे हैं तो थोड़ा सही नहीं लगेगा आज का, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। और उधर साइड अभी मैं साग बनाऊंगी। और आज एक बात बोलना चाहूंगी, मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा साग खाते हैं, जैसे कि भाजी हो गया या कोई भी साग हो, बहुत खाते हैं। और आपको आगे भी दिखने को मिलेगा, साग ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि पसंद करते हैं मेरे घर में। और साग भी बनता है या कोई भी और भी सब्जी भी साथ में बना लेती हूँ। तो बस आगे भी देख लीजिएगा, कभी कभार नहीं, 12 मंथ में ना, पूरा 12 मंथ में बहुत ज़्यादा साग ही हम लोग घर पे खाते हैं। तो फिर चलिए मैं यहाँ उधर साग जल्दी से बना लेती हूँ अभी। और ऑयल गर्म होने के बाद उसमें प्याज और मिर्च डाल दी थी और वो ब्राउन हो चुका था, तो अभी मैं यहाँ पे साग डाल दूँगी। और साग डालने के बाद उसको अच्छे से चला लूँगी, और पक जाएगा तो फिर उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल के बस उसी तरह ही चला लूँगी, और फिर साग बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टमाटर डाल के उसको अच्छे से मेल्ट करके अच्छे से चला दी हूँ, और यहाँ पे साग भी बन के तैयार हो गया है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मछली धोने, साफ करने। यहाँ पे देखिए इसको साफ करना है अभी, फिर साफ कर दूंगी और फिर मिलूंगी आप सभी से। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मछली धोने के लिए। और ये मछली देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का कटा हुआ है, मतलब बहुत छोटा छोटा पीस हो गया, मतलब अंकल जी काटे थे कि बहुत छोटा छोटा। और हमारे गांव के पास से जो अंकल जी आते हैं ना, वो बहुत अच्छे से कट कर देते हैं, और बहुत फास्ट भी उनका कटिंग होता है। कोई बात नहीं, चलेगा। और यहाँ पे देखिए, और वो ऐसी कटिंग करते हैं ना कि मतलब कि आँख बंद करके ऐसे आँख खोलोगे तो कट जाए, ऐसी इस तरह बहुत फास्ट कटिंग करते हैं, और बहुत अच्छे से साफ भी करके दे देते हैं काट के मछली को। और बस आज का वीडियो इतना ही, और अभी तो दोपहर हो रहा है, मेरा सारा रूटीन भी ख़त्म हो गया है, तो अभी बस खाना वाना खा लेंगे लंच करके, और फिर इस नाइट के लिए रेसिपी जो होगा मैं वही बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए, बस यही बोलूँगी। और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।